देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड लैम्डा एंड बीटा टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस लैम्डा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के टू रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट्स का सम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो क्या जाएगा माइनस ऑफ वन माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा। ठीक है, एंड रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा सी बाई ए, तो फाइव अपॉन लैम्डा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास अल्फा प्लस लैम्डा आ गया और ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, फाइव अपॉन लैम्डा, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा, अल्फा इंटू बीटा फाइव अपॉन लैम्डा। अब हमें एक अल्फा बीटा में रिलेशन गिवन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू फोर। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस लैम्डा की वैल्यू ये और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है ये, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव बाई लैम्डा अपॉन फाइव बाई लैम्डा इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस टेन अपॉन लैम्डा अपॉन फाइव अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में हम लैम्डा स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर टू लैम्डा प्लस वन माइनस टेन लैम्डा अपॉन फाइव लैम्डा इज इक्वल टू फोर। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे हम तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्वेल्व लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी लैम्डा, ट्वेंटी लैम्डा इस तरफ आ जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा ये माइनस थर्टी टू लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इसकी टू वैल्यू जाएगी लैम्डा से, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। तो यहाँ से टू इक्वेशन आ गई, टू वैल्यू जाएगी यहाँ से लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। तो यदि लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू लिखेंगे तो वो क्या जाएगा प्रोडक्ट होंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू इसके प्रोडक्ट है तो सम क्या जाएगा माइनस ऑफ थर्टी टू, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थर्टी टू बाई वन एंड लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू आ जाएगा वन। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू एंड लैम्डा वन लैम्डा टू आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन अपॉन फोर्टीन की। तो वो वैल्यूज क्या जाएगी, देखो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन बाई फोर्टीन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा वन लैम्डा टू यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर अपॉन लैम्डा वन, ये आ जाएगा फोर्टीन लैम्डा वन लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन में क्या जाएगा फोर्टीन लैम्डा वन लैम्डा टू। ठीक है, तो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू का होल स्क्वायर थर्टी टू का स्क्वायर, तो थर्टी टू इंटू थर्टी टू माइनस टू इंटू लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू क्या है वन। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास अपॉन में क्या है फोर्टीन इंटू फोर्टीन इंटू लेमडा वन लेमडा टू वन है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो टू ऊपर कॉमन आ रहा है और थर्टी टू इंटू यहाँ पे अब सिक्सटीन हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर्टीन, तो ये इससे टू टाइम्स सेवन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास थर्टी टू इंटू सिक्सटीन माइनस वन, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से ये निकल के आएगा फाइव वन वन बाई सेवन। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास सेवन एंड ट्वेंटी वन बाई थ्री थ्री सेवेंटी थ्री। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सेवेंटी थ्री। ओके, इजी है ये।